हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों डी फार्मा का पेपर है। दोस्तों डी फार्मा का दोस्तों चैप्टर नंबर 7, ठीक है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 दोस्तों डी फार्मा का है। इसमें क्या है? विशुद्धिकरण एवं निस्यंदन, ठीक है। चैप्टर का नाम है विशुद्धिकरण एवं निस्यंदन। तो दोस्तों हम इस चैप्टर में देखेंगे जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको हम लेके आए हैं दोस्तों आपके इस वीडियो में। और हम आपके लिए बता दें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वे सभी की सभी आने वाले क्वेश्चन हैं, तो कृपया करके इनको जरूर देखें, लास्ट तक पूरी वीडियो देखें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आप पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करें जल्द से जल्द, और पीडीएफ से इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, फिल्टर किए जाने वाले ठोस या तरल के निलंबन को के रूप में जाना जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा, तो ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वह क्या रहेगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, घोल, ठीक है। यानी कि दिया है फिल्टर किए जाने वाले ठोस या तरल के निलंबन को घोल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, घोल आएगा, ठीक है, राइट आंसर है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया है फिल्टर मीडिया पर संचित ठोस को कहा जाता है। फिल्टर मीडिया पर संचित ठोस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें? तो इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन रहने वाला है, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, निस्यंदक केक। निस्यंदक केक हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राइट आंसर रहेगा निस्यंदक केक। निस्यंदक केक हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निस्यंदन से पार हुए साफ द्रव को के रूप में जाना जाता है। साफ द्रव को के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें? तो देख लेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, निस्यंदन, निस्यंद, ठीक है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, निश्चिंद, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है देखेंगे, प्रति यूनिट समय ड्यू अपॉन ड्यूटी के प्रवाहित होने वाले बिलियन लीटर के को निस्यंदन पर कहते हैं, निस्यंदन दर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं, तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है वो बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आयतन हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, रिक्त स्थान भरना ये, के अनुसार निस्यंदन दाब में कोशिकाओं के माध्यम से निस्यंदन द्रव के धारा रेखी प्रवाह के समान होता है। तो क्या होता है, कौन सा है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे जल्द से जल्द। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पॉय ज्वेली, ठीक है। क्या रहेगा? पॉय ज्वेली, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है
पोएजुली के समीकरण को के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो देख लेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, V इक्वल टू पाई पाई डेल्टा पी आर का 4 अपॉन 8 एल म्यू। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा V इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर का 4 अपॉन 8 एल म्यू, समीकरण में V बराबर है, V है, तो V क्या है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है प्रवाह की दर। तो V प्रवाह की दर है, ठीक है, किसे प्रभावित करती है, V प्रवाह की दर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डार्सी के समीकरण को के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और इसमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है सभी लोग जल्द से जल्द बताएंगे। तो इसमें हम देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, P इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन म्यू एल, ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान का समीकरण छिद्रित तल केशिकात्व की संरचना का प्रकार तथा अन्य कारकों के लिए उपयुक्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें हमारा, तो इसमें देख लेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, पोएजुली का समीकरण। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, पोएजुली का समीकरण। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है के द्वारा निस्यंदन केक को यांत्रिक सहायता तथा ठोस पदार्थ को एकत्र करता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है भाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, निस्यंदक माध्यम, निस्यंदक माध्यम हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहेगा, दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और साथ साथ में शेयर भी करते रहेगा। और अगर जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि बड़े मजेदार वीडियो रहने वाली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है फिल्टर किए जाने वाले तरल में सूक्ष्मता से विभाजित पदार्थ होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है भाई क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, निस्यंदक सहायक, निस्यंदक सहायक हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान भरना है का प्रयोग अत्यधिक महीन ठोस को पृथक करने तथा केवल लघु मात्रा में ठोस वाले तरल पदार्थ के शुद्धिकरण में होता है, शुद्धिकरण में होता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला भाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा शुद्ध सेलुलोज या सेलुलोज डेरिवेटिव या
नायलॉन टेफ्लॉन पॉलीविनाइल क्लोराइड या सिल्वर से मिलकर बनता है, क्या बनता है तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा तो इसमें देख लेंगे। हमारा जो राइट आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर हमारा राइट आंसर रहेगा, मेम्ब्रेन फिल्टर हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, में बोरोसिलिकेट कांच होता है जिसमें फिल्टर माध्यम के रूप में एक फ्लैट या उत्तम प्लेट होती है, या उत्तम प्लेट होती है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो इसमें देख लेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिंटर्स कांच फिल्टर, सिंटर्स कांच फिल्टर, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेम्ब्रेन फिल्टर मोटाई में होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो मोटाई में होते हैं दोस्तों, कितना होता है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से कौन सा हमारा राइट रहेगा, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, 50 से 200 माइक्रोन, ठीक है, 50 से 200 माइक्रोन, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, जीवाणु रोधी फिल्टर के उदाहरण हैं, जीवाणु रोधी फिल्टर के उदाहरण हैं, तो दोस्तों कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन दिए हैं, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो इसमें देख लेंगे हमारा जो आंसर रहेगा, जो राइट आंसर रहने वाला भाई क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चैम्बरलैंड फिल्टर, चैम्बरलैंड फिल्टर हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, छन्नी संकुचित करने योग्य सामग्री वाले तरल पदार्थों के स्पष्टीकरण में का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, निस्यंदक सहायक, निस्यंदक सहायक हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निस्यंदन की दर ठोस केक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटाई, ठीक है, मोटाई हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, तरल की निस्यंदन दर के अनुक्रमानुपाती होती है, तरल की निस्यंदन दर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्या होती है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो इसमें देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, दाब, ठीक है, दाब हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, निस्यंदन दर तरल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे हम बताते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा भाई क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, श्यानता, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान भरना ये को बढ़ाकर तरल श्यानता कम हो जाती है, तो किसकी कम हो जाती है दोस्तों, किसको बढ़ाकर किसकी श्यानता कम हो जाती है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इसमें देख लेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तापमान हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, जीवाणु रोधी फिल्टर के उदाहरण, जीवाणु रोधी फिल्टर के उदाहरण,
सभी लोग बताएंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, वर्क फील्ड। ठीक है, वर्क फील्ड हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, में विशेष रूप से पूर्ववर्ती एस्बेस्टस फिल्टर जो फिल्टर पैड जैसा दिखता है का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सीट्स निस्यंदक, सीट्स निस्यंदक हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, झिल्ली फिल्टर के छिद्रों का आकार एक समान तक होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.05 से 14 माइक्रोन, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात फिल्टर का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निर्वात फिल्टर का उदाहरण है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, तो देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, फिल्टर लीफ, फिल्टर लीफ हमारा राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ में शेयर भी करते रहें दोस्तों, और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आप जो है इसकी पीडीएफ को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमने इसकी पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनी हुई है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो कृपया करके पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बड़ी मजेदार वीडियो रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल्टर लीफ का उदाहरण है, तो फिल्टर लीफ का उदाहरण दोस्तों कौन सा है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, तो देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, निर्वात फिल्टर, निर्वात फिल्टर जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, अधिक मात्रा में ठोस यानी कीचड़ या क्रिस्टल को पृथक करते हैं, तो कौन करते हैं पृथक, चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है भाई क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, निस्यंदक केक हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कम मात्रा में ठोस को अलग करते हैं, तो कम मात्रा में ठोस को अलग कौन करते हैं, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी लोग बताएंगे, चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन रहेगा सही, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, सभी लोग बताएंगे। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर है वह क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, शुद्धिकारक फिल्टर, शुद्धिकारक फिल्टर हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान बनाइए, जल निकासी मशीन है जो तरल ठोस घोल से दाब 60 से 80 psi के उपयोग द्वारा तरल को पृथक किया जाता है, दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सभी लोग बताएंगे। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, प्लेट तथा फ्रेम फिल्टर, प्लेट तथा फ्रेम फिल्टर प्रेस, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्लेट तथा फ्रेम फिल्टर प्रेस के सिद्धांत पर कार्य करता है,
के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे, इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला भाई क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, सतह निस्यंदन, सतह निस्यंदन हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिंटर्ड फिल्टर में एक जेना या पायरेक्स कांच को, कांच के कणों का बना होता है जो डिस्क के रूप में इसके सिंटरिंग बिंदु तक गर्म होकर फ्यूज हो जाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, चार ऑप्शन दिए हैं, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फिल्टर माध्यम, फिल्टर माध्यम हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्थान बना है, धातु के छल्ले तथा खांचे युक्त बहाव नली की राड से बना होता है, बहाव नली की राड से बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो इसमें देख लेंगे, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, मेटा फिल्टर। ठीक है, मेटा फिल्टर हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंटर्ड फिल्टर में एक जेना या पायरेक्स कांच के कणों का बना होता है जो डिस्क के रूप में इसके सिंटरिंग बिंदु तक गर्म होकर फ्यूज हो जाता। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। तो इसमें देख सकते हैं, हमारा राइट आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, फिल्टर माध्यम। ठीक है, फिल्टर माध्यम हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों दोहरा गया, ठीक है, डबल क्वेश्चन हो गया ये, कोई बात नहीं, ये भी डबल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, बेलनाकार आकार के होते हैं या निकले हुए टेस्ट ट्यूब के आकार में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। तो इसमें देखेंगे, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फिल्टर कैंडल, फिल्टर कैंडल हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उच्च श्यानता के निलंबन का प्रवाह दाब के द्वारा फिल्टर माध्यम से होता है, तो कौन सा होता है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा, सभी लोग बताएंगे। तो इसमें देखेंगे, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, विपरीत प्रवाह फिल्टर, विपरीत प्रवाह फिल्टर हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, रिक्त स्थान का भरना है, वह प्रक्रिया है जिसमें सापेक्षता कम मात्रा में उपस्थित निलंबित ठोस 0.15% से अधिक नहीं को फिल्टर का उपयोग किए बिना हटा दिया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा, सभी लोग बताएंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औषधीय गोलियों के रूप में उपलब्ध है, औषधीय गोलियों के रूप में उपलब्ध है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, चार ऑप्शन दिए हैं, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। तो इसमें देखेंगे, हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तेल, तेल जो है वो औषधीय गोली के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान भरना है,
विधि का प्रयोग प्रयोगशाला स्तर पर किया जाता है जिसमें अंशांकित सिलेंडर का उपयोग होता है। अंशांकित सिलेंडर का उपयोग होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है सभी लोग बताएंगे। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, साधारण बैच तलछट। साधारण बैच तलछट हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डोर थिकनर। डोर थिकनर का एक उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। चार ऑप्शन दिए हैं, सभी लोग बताएंगे चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सतत अवसाधन। सतत अवसाधन हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, तलछट का प्रयोग अवाष्पशील तेल के शुद्धिकरण के लिए होता है। अवाष्पशील तेल के शुद्धिकरण के लिए होता है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। तो देख लेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, रिक्त स्थान भरना है, एक सरल विधि है जिसका प्रयोग विश्लेषण प्रयोगशालाओं में मैग्मा या जिलेटिन के अवक्षेपों को धोने में किया जाता है। अवक्षेपों को धोने में किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बताएंगे। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, निस्तारण। निस्तारण हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान भरना है, का प्रयोग शुद्ध सतह पर तैरने वाला तरल को तलछट टैंक से निकालकर हटा दिया जाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, निस्तारण। निस्तारण हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औद्योगिक में का प्रयोग तब किया जाता है जब उच्च स्तर के पृथक्कीकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, सभी लोग बताएंगे जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सतत प्रतिगामी निथाकरण, निथारण। ठीक है, सतत प्रतिगामी निथारण, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, शुद्ध सतह पर तैरने वाले तरल को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहेगा सभी लोग बताएंगे। तो देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, साइफनी। साइफनी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, साइफनी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग प्रभावी शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए किया जाता, तो किसका किया जाता है, चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अधिशोषण। अधिशोषण हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम जिलेटिन तथा कुछ सिंथेटिक स्कंदक हैं, कुछ सिंथेटिक स्कंदक हैं, कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा इसमें, हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला भाई क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, शुद्धिकरण घटक। शुद्धिकरण घटक हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा स्थूल या एक अपरिष्कृत निस्यंदन तकनीक है, तो कौन सी है? चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें? सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, तो इसमें देखेंगे हमारा राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, छानना, छानना हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा रिक्त स्थान भरना है ये, मीडिया में बाहरी कणों को भिगोने या फंसाने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? सभी लोग बताएंगे राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है चार ऑप्शन में से, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो का। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहेगा दोस्तों, शेयर करते रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें, इसकी जो पीडीएफ है वो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में डाली है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट कल ही पीडीएफ को, आज ही पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।